नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है वह कौन था जो जन्मा तो श्री रूप में था मात्र के एक शकी कृपा से जिसने पुरुषत्व प्राप्त कर लिया था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तर इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हम विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातन यह YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं, मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको तीन सवाल पूछे थे, उन तीन सवालों के सही जवाब क्या है वह देख लेते हैं। कल का हमारा पहला सवाल था, वह कौन सा पांडव वीर था जो भगवान शिव से भी लड़ जाता है? दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, जब एक साल का अज्ञातवास और 12 साल का वनवास प्राप्त होता है उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने शस्त्रास्त्रों की ताकत बढ़ाओ, अलग अलग शस्त्रों को प्राप्त कर लो। और इसी वजह से अर्जुन वनवास के समय वन में तपस्या करने के लिए चला जाता है और वहां पर तपस्या करते वक्त मुक नामक राक्षस वराह का रूप धारण कर अर्जुन को मारने के लिए आता है। उस समय अर्जुन अपने धनुष से एक तीर को छोड़ता है और उसी समय दूसरा तीर उस वराह को जाकर लगता है। तो दूसरा तीर, दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि पारधी वेश में, किरात वेश में वहां पे जो शिव आते हैं वो छोड़ते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि पहला तीर मेरा लगा है तो यह मेरे शिकार हुए। तो अर्जुन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, मैं गांडी उधारी अर्जुन हूं, ये शिकार मेरी ही है। उसकी इसी बात से उनमें वहां पे जंग शुरू हो जाती है। जब अर्जुन को लगता है कि यह पारधी है, इसको तो मैं ऐसे ही पराजित कर दूंगा, मात्र वहां पे अर्जुन पराजित नहीं कर पाता, तब अर्जुन को लगता है कि कोई दिव्य है, तो अर्जुन उनके शरण में जाता है। तो भगवान शिव मूल रूप में आकर उसको एक अपना दर्शन भी देते हैं और उसको अस्त्र भी देते हैं। तो दोस्तों, यह पांडव वीर दूसरा तीसरा कोई नहीं अर्जुन था, जो भगवान शिव से भी एक बार लड़ गया था। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, वह कौन सा योद्धा था जिसकी सहायता लेने के लिए कौरव एवं पांडव ना कर देते? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है रुक्मी, विदर्भ नरेश रुक्मी। जी हाँ दोस्तों, जो रुक्मिणी है भगवान श्री कृष्ण जी की पट्टरानी रुक्मिणी माता, उनका भाई रुक्मी, जिसकी सहायता लेने से कौरव एवं पांडव ना कर देते हैं। तो दोस्तों, कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, वह कौन सा योद्धा था जो महाभारत के इतने विशाल युद्ध में भाग लेने से मना कर देता है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है बलराम। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भ्राता दाऊ यानी कि बलराम, भीम एवं दुर्योधन गदा युद्ध की पूरे जो शिक्षण है वो बलराम से प्राप्त करते हैं। इसी वजह से बलराम कौरव एवं पांडवों के गुरु हुए और गुरु पक्षपात नहीं कर सकता, इसीलिए मैं किसी कौरवों के ओर से या पांडवों के ओर से युद्ध के लिए भाग नहीं लूंगा। इसी वजह से जो बलराम है वह युद्ध में भाग नहीं लेते, उस समय युद्ध के समय वह तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे हमारे कल के तीन सवाल और इन तीन सवालों के सही जवाब देने वाले विजयी सदस्यों के नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम भी हो तो हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक यानी कि 1 घंटे के अंदर हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने हमारे कमेंट बॉक्स में दिए, तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजयी सदस्यों की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों, आप अवश्य प्रयास कीजिए। यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है महाभारत प्रश्नोत्तरी, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो हमारी पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का पूरा सखोल ज्ञान आपको प्राप्त होगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो ही हमारे अगले वाले वीडियो की कड़िया है जिसमें महाभारत से कई सारी रोचक कथाएं हमने बताई है, तो हमारे पिछले वाले वीडियो भी आप अवश्य देखिए। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देख लेते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, वह कौन सा योद्धा था जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बाणों से एक घर निर्माण कर दिया था? इसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं, आपका पहला पर्याय है अर्जुन, दूसरा पर्याय है एकलव्य, तीसरा पर्याय है कर्ण, चौथा एवं आखिरी पर्याय है द्रोणाचार्य। तो दोस्तों, इन 4 धनुर्धारों में से कौन था जिसने कुरुक्षेत्र में बाणों से एक घर बनाया था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारे अगले वाले वीडियो में देखिए कि कौन था वो योद्धा जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में वहां पे बाणों से एक घर बना दिया था। दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हमारा दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका दूसरा सवाल है, वह कौन सा योद्धा था जिसने अपने योग माया से सूर्य को भी ढक दिया था यानी कि सूर्यास्त कर दिया था? दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है, इस सवाल का जवाब सभी को पता ही होगा, यदि नहीं पता तो हमारे अगली वाली वीडियो अवश्य देखिए जिसमें हम आपको इस सवाल का सही जवाब भी बताएंगे, उसके पीछे की रोचक कथा भी बताएंगे। लेकिन इस सवाल के लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं, आपका पहला पर्याय है भगवान श्री कृष्ण,
दूसरा पर्याय है भीष्म, तीसरा पर्याय है द्रोण, चौथा एवं आखिरी पर्याय है अर्जुन। तो दोस्तों कौन था जिसने अपने सामर्थ्य से भगवान सूर्य नारायण को भी ढक दिया था, कौन था वो महाबलशाली? यदि पता है तो अवश्य बताइए, यदि नहीं पता तो आपको बताया ही है कि हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं आखिरी सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का आपका तीसरा सवाल है, वह कौन था जो स्त्री रूप में जन्मा था, मात्र यक्ष की कृपा से जिसने पुरुषत्व प्राप्त कर लिया था, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। का पहला पर्याय है बृहन्नला, दूसरा पर्याय है अश्वत्थामा, तीसरा पर्याय है शिखंडिनी, चौथा एवं आखिरी पर्याय है उत्तर कुमार। तो दोस्तों कौन था जो स्त्री रूप में जन्मा था मात्र आगे जाकर पुरुष हुआ, वो भी प्रतिशोध की भाव से? यदि आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए, जिसमें बहुत सारी कथाएं आने वाली है, बहुत सारे रोचक तथ्य आने वाले जो आपके जानकारी में बहुत सारी वृद्धि करने के लिए कारण बनेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।